हमेशा सा ही पेपर, आज इनफैक्ट वरिंदर जी ने भी जेके पेपर का जिक्र किया, आपने भी मुझसे क्वेश्चन टॉस किया था जेके पेपर पे, और पेपर स्टॉक्स आपने सही कहा, हमेशा से मेरे फेवरेट रहे। और ये जब मैं पहली बार, इनफैक्ट जब जैन साहब के जैम शुरू नहीं हुआ था, और धीरे धीरे जब हम 2019 की बात है, शेषा शाही पेपर रेकमेंड किया था, और अनिल जी आई थिंक 17 सेकंड या 20 सेकंड में ये स्टॉक 20% का सर्किट लग गया, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक्स का नाम लेते थे और चले हुए नहीं होते थे, एकदम मरे हुए स्टॉक्स होते थे, और 140 के लेवल्स पे दिया था। फिर उसके बाद मैंने जैन साहब के जेम्स में दिसंबर 2020 में भी कवर किया, और अब वापस से कवर करने का रीजन यह है कि रिजल्ट्स गजब के थे, पेपर स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, जो बिजनेस रिजम्पशन है आफ्टर कोविड वो गजब का है, तो ये स्टॉक्स तो बहुत अच्छा करने वाले आने वाले दिनों में। और इस स्टॉक की मैं पेडिग्री के बारे में बात करूं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेडिग्री है, और मिस्टर जो एस विश्वनाथन जी है, जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है, इनफैक्ट वो एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, और मिस्टर आर वेंकट रामन, श्री आर वेंकट रामन जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनके साथ लॉ फर्म चलाया करते थे, और उसके बाद उन्होंने सेसा साइज ज्वाइन किया, और 1960 से ये कंपनी गजब का काम कर रही है, और पिछले कुछ सालों में कंपनी फंडामेंटल से बहुत ध्यान दे रही है, और 3-4 सालों में गजब के डेट्स को कम किया है, 300 करोड़ के डेट्स को खत्म करते करते कैश फ्लोज इतने अच्छे होते कि आज सिर्फ 4 करोड़ का डेट है, 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 191 का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट नीचे आज हो सकता है कि ऊपर आ गया हो, 1.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है, क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो कुछ टैक्स के एडजस्टमेंट्स है, अदरवाइज हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जनरली पैट की बात करता हूँ, जो पीबीटी की बात कर रहा हूँ, 27 करोड़ का मार्च 2021 वाले क्वार्टर में पैट था, उसके सामने 72 करोड़ का पैट है मार्च 2022 में, और बोरोइंग्स को मैंने बताई दिया बहुत घटाया ही है इन्होंने, सो दैट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द बैलेंस शीट। और ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफी बड़े नाम है, अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की लिस्ट में देखें, एफआईआई करीब 10-11% है, डीआईआई और ये सब मिला के 25-26% के लगभग, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में काफी ये शेयर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और आराम से जो टारगेट है 230 का लगाया जा सकता है।